नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। सभी लोग जुट जाइए। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे को जानकारी मिल जाए कि उनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए सभी लोग जुट जाइए। सभी को गुड इवनिंग। सभी का मैं मैसेज देख रहा हूँ। चलिए फटाफट से जुड़ते जाइए। चलिए आज का क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे, ठीक है? लाइव चैट में आंसर करेंगे, साथ ही होमवर्क का आंसर जो है वो कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन स्टार्ट करूं, लाइक वाला बटन दबा दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है? फटाफट से सभी लोग आंसर करते चलिए। मैं कैमरा अपना हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बोर्ड पर लेके चलता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स रेफर टू ग्रोइंग प्लांट। आपको बताए थे हाइड्रोपोनिक टेक्निक कैसी होती है। एक गमला टाइप से ले लिया जाता है, उसमें वाटर डाला जाता है, बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक में, ठीक है? पानी में जो है पौधे उगाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा गया हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है? और पानी में जो है जो भी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट चाहिए वो कहाँ डाल दिए जाते हैं, पानी में डाल दिए जाते हैं, ठीक है? तो हाइड्रोपोनिक आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, ओनली वाटर नहीं होगी, सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स, हाँ ये होगा। ग्रोइंग किया जाता है प्लांट्स को, कैसे? सॉल्यूशन डाला जाता है किसका, मिनरल और न्यूट्रिएंट का। जो आपके गमले होते हैं उसमें क्या करते हैं आप, सॉल्यूशन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट का बना करके आप डाल देते हो पानी में, ठीक है? और हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक जो होती है वो कैसी होती है, सॉइल लेस होती है, यानी कि मिट्टी के अनुपस्थिति में पौधे को ग्रो करवाया जाता है, जो कि पेट कोर्स में बहुत ही अच्छे से समझाया गया। अच्छा, बहुत छोटा दिख रहा है क्या कंप्यूटर महोदय, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, ये छोटे बच्चे को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स या मिनरल्स। आपको पता है कि टोटल कितने इसेंशियल एलिमेंट है वो हमने बताए थे, आपको याद होगी। पौधे में जो है टोटल 60+ एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है? इनमें से 17 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इसेंशियल होते हैं, यानी कि उन 17 को अगर उसके स्थान पर से हटा दीजिएगा तो पौधे में कई प्रकार के डिजीज हो जाएंगे, यानी कि बीमारी हो जाएगी। अगर वो 17 में से किसी एक को हटा दिए तो पौधे क्या करेंगे, ग्रो और रिप्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, ठीक है? तो चलिए इनमें से देखते हैं कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहला है, एलिमेंट मस्ट बी नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये तो सही बात है, ये चाहिए ही चाहिए, ये 17 चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर के नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगा। तो ये तो गलत नहीं हुआ, ये तो सही हुआ। अगला है, एलिमेंट मस्ट बी रिप्लेसेबल बाय एन अदर एलिमेंट। ये देखिए भयानक, जब आपको हम इसेंशियल एलिमेंट की क्राइटेरिया बता रहे थे तो आपको बताए थे कि इन 17 में से किसी भी एक को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, अगर रिप्लेस कीजिएगा तो वहां पर क्या होगा, डिजीज उत्पन्न हो जाएगी। तो आपका बी नंबर ऑप्शन ही पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। फिर भी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है? सी नंबर है, डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द एब्सेंस डिफिशियंसी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी करेक्टेड ओनली बाय एडिंग द स्पेसिफिक एलिमेंट। यस, अगर किसी एलिमेंट के कमी होने से जो डिफिशियंसी यानी कि बीमारी उत्पन्न होती है उसे हम केवल एलिमेंट देकर ही दूर कर सकते हैं, ठीक है? एडिंग द स्पेसिफिक एलिमेंट, और वो भी स्पेसिफिक एलिमेंट जिस एलिमेंट के कारण वो डिफिशियंसी हुई होगी, वही एलिमेंट अगर हम फिर पौधे को देंगे तब जाकर के वो डिफिशियंसी यानी कि वो बीमारी क्या होगी, खत्म होगी। अगला ऑप्शन है, एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी इसेंशियल फॉर प्लांट। आपको पता है 60+ एलिमेंट पाए जाते हैं प्लांट में, इनमें से 17 ऐसे एलिमेंट है जो क्या है,
इसेंशियल है, यानी कि चाहिए ही चाहिए पौधे को। अगर वो 17 नहीं हुए तो पौधे ना ग्रो करेंगे, ना जिंदा रहेंगे, ना फल पत्तियां देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द कंसेंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन एंड नाइट्रोजन इन प्लांट्स। कार्बन और नाइट्रोजन जो है, आपको पता है कि हमने जब इसेंशियल एलिमेंट को बेस्ड ऑन रोल, यानी कि उस एसेंशियल एलिमेंट की क्या कार्य होती है, तो हमने दो भागों में बांटा था, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आया था याद कीजिए, कार्बन आया था, हाइड्रोजन आया था, ऑक्सीजन आया था, नाइट्रोजन आया था। तो कार्बन और नाइट्रोजन यहां से आपसे पूछा गया है, सी और एन। तो इसका जो कंसेंट्रेशन वो होता है कितना, एबव यानी कि मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी। तो एबव यानी कि मोर, ठीक है, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, ठीक ना। चलो आगे, एनसीईआरटी का लाइन है, वो बेसिकली एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़ लीजिएगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर ऑल प्लांट। इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो इसेंशियल नहीं है। हाँ, 60 में से तो आते हैं, लेकिन उन 17 में नहीं आते हैं। उन 17 में जो आएंगे वो इसेंशियल कहलाएंगे। तो उन 17 में कौन कौन आते हैं आपको याद होगी, हमने लिखाया भी है, क्या फिर से बता दूं? चलो बता दे रहा हूं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, ये सब क्या हो गए आपके, ये सब हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब चलो और भी है, 17 में से और भी है, ये 9 हो गया। उसके बाद और लिखो क्या क्या है, आयरन है, ठीक है, जिंक है, और क्या क्या है, मोलिब्डेनम है और क्लोरीन है। ठीक है, निकिल तो बच ही गया, ये भी ले लो। ठीक है, तो ये हो गया आपके, ये सभी के सभी हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट, और ये सब के सब हो गए माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या हुआ कि इसकी कम मात्रा ही चाहिए पौधे को। माइक्रो का मतलब क्या हुआ, कम मात्रा ही चाहिए पौधे को, कोई दिक्कत नहीं भैया, उसी में काम चला लेगा। लेकिन मैक्रो जो है वो चाहिए चाहिए, थोड़ा ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इसेंशियल नहीं है, अब तो पकड़ सकते हैं ना, जल्दी से बताओ। कोई नहीं दिख रहा है क्या, कहीं कोई नहीं, नजर नहीं आ रहा है भैया। कोबाल्ट, कोबाल्ट नजर आना चाहिए आपको, ये कहीं पर आपको इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। चलो वेरी गुड, जो लोग आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, ए मैक्रोन्यूट्रिएंट इज, मैक्रोन्यूट्रिएंट पूछा जा रहा है। आपको पता है 17 एलिमेंट को हमने दो भागों में बांटा था, पिछले ही क्वेश्चन में हमने दिखाया था मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आ जाता है आपको पता है, मैग्नीज आता है, ठीक है, जिंक आता है, आयरन आता है, ये आ जाता है आपके ऑप्शन के अनुसार, ये आता है माइक्रो में। ठीक है, और ये जो है मैग्नीशियम, जिसको Mg से दिखाया जाता है, ये आ जाता है आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट से बाहर इनमें से कौन सा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या है आपको पता है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पी से क्या होता है भैया, बताओ बताओ, अरे फास्फोरस होता है भैया, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस है। उसके बाद क्या है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, और कैल्शियम है। तो क्या इनमें से कोई अलग लग रहा है क्या, कौन सा अलग लग रहा है जल्दी से बताओ, कौन सा अलग लग रहा है, एफ ही लग रहा है ना, आयरन, जिसको एफ ही बोलते हैं। ये क्या है, ये आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इन सब में से अलग यानी कि बाहर कौन सा है, यही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब माइक्रो पूछ दिया है, माइक्रो आपको पता है माइक्रो कौन कौन से हैं, हमने बताया है एफई, ठीक है। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, अगर लग रहा है कि ये क्या चीजें हैं, तो आपको पता होनी चाहिए कि मिनरल एंड न्यूट्रिशन आपके 11th के चैप्टर्स हैं, जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 194 से स्टार्ट होते होंगे, अगर नए एनसीईआरटी होंगे तो उन्हीं के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाती है भली भांति, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, तो वहीं से आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो सभी लोग क्वेश्चन करें ध्यान से। चलिए, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं। एफई होते हैं, जिंक होते हैं, उसके बाद मैग्नीज होते हैं, और क्या क्या होते हैं, बोरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। तो इनमें से कौन सा भैया बाहर दिख रहा है, देख लो देख लो देख लो, निकिल। निकिल क्या है, माइक्रो है, बाकी सब क्या है, मैक्रो है, MACRO, ठीक है, और ये क्या है, सिर्फ माइक्रो है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिशियल एलिमेंट। बेनिफिशियल एलिमेंट का मतलब हुआ कि वैसे एलिमेंट जिसकी आवश्यकता उतनी अधिक नहीं है, मतलब इसका उल्टा इसेंशियल, मतलब वो 17 में से किसी एक की कमी हो गई तो क्या होगी, पौधे में कई प्रकार के डिजीज उत्पन्न हो जाएंगे। तो नॉट ए बेनिफिशियल मतलब क्या हो गया कि इसेंशियल होगा, ठीक है। तो इसेंशियल इनमें से कौन है, देखिए सोडियम की कोई जरूरत पड़ी थी, नहीं पड़ी थी, ये क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। कोबाल्ट की कोई जरूरत पड़ी थी, नहीं, तो क्या हो गया, बेनिफिशियल हो गया। और अगला जो आपका ऑप्शन है वो है पोटेशियम, तो क्या पोटेशियम की जरूरत पड़ी थी, पड़ी थी भैया, पड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है निकेल, निकेल का जरूरत पड़ा था क्या, बताओ बताओ, निकेल का जरूरत पड़ा था क्या, पड़ा था। तो यहां पर नॉट ए बेनिफिशियल एलिमेंट में आ जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम आ जाएगा, नॉट ए बेनिफिशियल एलिमेंट ये है। लेकिन 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 याद आना चाहिए आपको कि पोटेशियम जो है आपका क्या है, पोटेशियम ये क्या है, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब पौधे को ये अत्यधिक मात्रा में चाहिए, ठीक है। और निकिल जो है ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कम चाहिए। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन बनता है नॉट ए बेनिफिशियल मतलब इसेंशियल, तो ज्यादा इसेंशियल क्या हो गया, पोटेशियम हो गया ना, तो राइट आंसर इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, या नहीं तो एक और अगर ऑप्शन रहता तो हम उसको करते। यहां पर बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट होने का जो अर्थ होता है वो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं कहता है, वो आपको चूज करना है। पहला देखिए, बिकॉम टॉक्सिक इन एक्सेस, यस राइट। अगर माइक्रोन्यूट्रेंट जो 17 हैं आपके, ठीक, सॉरी 17 नहीं है, माइक्रोन्यूट्रेंट कितने हैं, 8 हैं, ठीक है, MICRO वाला, और मैक्रो जो है MACRO वो कितना है, 9 है, तो 9 8 17, तो ये 8 में से, ठीक है, अगर कम हुआ तो डिजीज उत्पन्न होगा, अधिक हुआ तो वो भी डिजीज उत्पन्न हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है, टॉक्सिक बोला जाता है, ठीक है। तो अगर एक्सेस हुआ तो टॉक्सिक होगी ही होगी, सही बात है। इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, इन्वॉल्विंग इन बिल्डिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट। ओए भैया, प्रोटोप्लाज्म कहां से ये कंस्टिट्यूएंट करने लगा, कहां से ये फॉर्मेशन करने लगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ना उसको खोज के लाइए, तो यही है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमने खोज लिया। अगला भी देख लेते हैं, वैसे कंसंट्रेशन इज लेस देन 10 मिली मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए, अगर आपके क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो वो कितना चाहिए, लेस देन चाहिए, ठीक है,
लेस देन चाहिए 10 मिलीमोल पर केजी किसके लिए? माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट ही पूछा गया था। अगर एभव देन रहता तब एभव देन किसमें? मैक्रोन्यूट्रिएंट में, MACR वाला में, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर फंक्शन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इज टू एक्ट एज। ट्रेस एलिमेंट किस प्रकार एक्ट करते हैं, जल्दी से बताओ, ऑप्शन पढ़ो, आप बताओ तो जरा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का लाइन है ये, सारा का सारा एनसीईआरटी लाइन है, देख लीजिएगा एक और अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट में मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, लास्ट में मैं बताऊंगा। अगला है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। कौन सा एलिमेंट और उसका काम, यानी कि उसका जो फंक्शन है उस एलिमेंट का पौधे में, वो सही से मैच नहीं कर रहा। तो पहला है MN। MN क्या होता है? मैग्नीज होता है, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज का काम क्या होता है? फोटोलेसिस ऑफ वाटर, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान H2O को क्या करना, ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना, जिसके दौरान ही ऑक्सीजन की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। यहां पर आ गया कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या होता है, जल्दी से बताइए, कैल्शियम का काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ मिडिल लेमिला। और भी काम होते हैं कैल्शियम का, बता सकते हैं कोई? बताइए बताइए। सिंथेसिस ऑफ सेलवाल, सेलवाल के सिंथेसिस में भी ये कार्य करते हैं। चलो पीछे आपको पता है फॉस्फेट, ठीक है। एटीपी में क्या होता है? फॉस्फोरस का यूज होता है, इसीलिए फॉस्फेट एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। चलो जिंक का देखो, जिंक का काम क्या होता है? जिंक का काम होता है ऑक्सीजन को सिंथेसिस करना, ठीक है। क्या करना? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सिंथेसिस करना होता है, ठीक। तो यहां पर कोएंजाइम ए, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला गया था इनकरेक्ट को ढूंढने के लिए, क्योंकि जेंक जो है वो क्या करता है, कोएंजाइम ए को नहीं ऑक्सीजन को सिंथेसिस करता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट प्रेजेंट इन मिडिल लेमिला इज, मिडिल लेमिला में कौन प्रेजेंट होता है, जल्दी से बताओ। पढ़े हुए हैं आप लोग, पढ़े हुए हैं पेड कोर्स में, सभी को हम लाइन बाय लाइन सभी एलिमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसको याद करवाए थे। अगर याद नहीं रही तो कोई फायदा नहीं होगा, अगर याद नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। जिंक का क्या काम होता है? जिंक का काम होता है ऑक्सीजन को सिंथेसिस करना। CU का काम क्या होता है, यानी कॉपर का काम क्या होता है, सभी को पता है, बताइए कॉपर का काम क्या होता है, बताओगे तुम, ठीक है। कैल्शियम का क्या काम होता है, बताओगे? कैल्शियम की, तो इसका काम क्या होता है, मिडिल लेमिला में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन मिडिल लेमिला, ठीक है, ये मिडिल लेमिला में प्रेजेंट होता है। तो पोटेशियम का क्या कार्य होता है भैया, कोई बताओगे? ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और बटा पौधे में जो एस्टोमेटा होती है पौधे के पत्तिया में, उसको खोलने का और बंद करने का काम कौन करते हैं? पोटेशियम ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विच हेल्प इन ज्वाइनिंग द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के सब यूनिट को कौन जो है हेल्प करता है, बताओ कि कोई, बताओ बताओ, मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात, मैग्नीशियम ही करता है आपके राइबोसोम को हेल्प करता है, और साथ ही डीएनए, एनसीईआरटी का लाइन है, देख लीजिएगा आप लोग, डीएनए और आरएनए को सिंथेसिस करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स विच आर डिफिशियंट इन जिंक विल शो रिडक्शन इन द बायोसिंथेसिस।
हमने बताया कि जिंक का काम क्या होता है, जिंक का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को सिंथेसिस करना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी कारण क्या होगा, ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं होता है, ठीक, तो बायोसिंथेसिस हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट आर मोबाइल एलिमेंट, तो मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं आपको पता होनी चाहिए। मोबाइल एलिमेंट हमने लिखाए हुए हैं, आप अपने बुक को उल्टाइए और देखिए मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से हैं, जल्दी से देखिए आपके मोबाइल एलिमेंट। नहीं मिला, नहीं मिला तो चलिए लिखा दे रहे हैं हम व्हिच एलिमेंट्स मोबाइल। तो मोबाइल एलिमेंट हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और क्या क्या, क्लोरीन। तो इनमें से देखिए और जो भी होंगे वो क्या होंगे, इमोबाइल, एक होता है मोबाइल और दूसरा होता है इमोबाइल। इसके बाद जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स बच गए वो हो गए इमोबाइल। तो नाइट्रोजन वाला कोई है क्या, हाँ भैया नाइट्रोजन वाला है ही, यहाँ पर देख लो। तो एक नंबर में क्या हो गया, ये हो गया आपके मोबाइल एलिमेंट और बाकी जो बच गए वो हो गए इमोबाइल एलिमेंट। अब बोलिएगा मोबाइल एलिमेंट क्या होता है, तो मोबाइल एलिमेंट क्या करते हैं, प्लांट के जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जा सकते हैं, तो वो हो गया मोबाइल एलिमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको बायोवर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, सभी क्वेश्चन की पीडीएफ। तो बायोवर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप को आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी कर सकते हैं ज्वाइन, नहीं तो डायरेक्ट जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करेंगे बायोवर्ल्ड और वन लगा देंगे, नंबर वाला, वर्ड वाला नहीं, नंबर वाला, बायोवर्ल्ड वन करोगे आपको आ जाएगा चैनल, उसमें आपको मिल जाएगा पीडीएफ। चलो यहाँ पर देखो, द एनायन कैटायन बैलेंस इन प्लांट सेल्स इज ड्यू एसेंशियल एलिमेंट लाइक। अच्छा, एनायन और कैटायन को कौन बैलेंस करता है प्लांट में, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एनायन और कैटायन, जिसको हिंदी में धनात्मक और ऋणात्मक जो बोलते हैं, अच्छा धनात्मक और ऋणात्मक वो तो प्लस माइनस हो गया, धनायन और ऋणायन को बोलेंगे एनायन और कैटायन, बहुत पीटेंगे आप लोग, भूल जाते हैं सब चीज। चलो कौन बैलेंस करता है, कौन बैलेंस करता है धनायन और कैटायन को, तो पोटेशियम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच एंजाइम इज एक्टिवेट बाय जिंक, जिंक के द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को एक्टिवेट किया जाता है, यहां पर कोई है क्या, है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन सा गलत हो गया, यहां पर एफ दे करके ऑक्सीजन देना चाहिए, ठीक है ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन नहीं है तो कुछ और देख लेते हैं, आपको पता है लिखा दिए थे जब जिंक लिखाए थे तो वहां पर आपको हमने बताया था कार्बोक्सिलेज को भी क्या करता है ये एक्टिवेट करता, और साथ में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को भी एक्टिवेट करता है, तो वो तो ऑप्शन है ही, तो ये वाला ऑप्शन लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट इट इज नॉट मिनरल एलिमेंट इज, इनमें से कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि ऑल ऑर्गेनिक में कंपाउंड के रूप में रहते हैं, बता सकते हैं आप लोग क्या, कार्बन, कार्बन आपको ऑल ऑर्गेनिक में देखने को मिल जाएगा, ऑल टू ऑल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज इज, अच्छा नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट को कौन एक्टिवेट करते थे आपको, जब हम जितने भी एलिमेंट्स थे उनको एंजाइम एक्टिवेटर्स के नाम से जाना जाता है, उन सभी का अलग अलग से आपको लिखाए थे, उसमें मोलिब्डेनम याद आया, मोलिब्डेनम को बताए थे आपको कि नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला ऑप्शन है आपके, एन इमोबाइल एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू इज, अच्छा इनमें से कौन सा इमोबाइल एलिमेंट है जो प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट रहता है बताइए, तो अभी हम पीछे बता चुके हैं आपको, ठीक है तो बता दीजिएगा आप, ये तो बता सकते हैं ना, क्योंकि मोबाइल एलिमेंट कौन कौन से हैं वो भी आपको यहां पर हम बता दिए हैं, जस्ट पीछे, कितना पीछे चला गया, हाँ ये लीजिए बता दिए हैं,
तो अब यहाँ से आप लोग चले आइएगा, यहाँ पर बता दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, तो कैसा रहा आज का क्वेश्चन बताइएगा कमेंट में फटाफट से। और अगले जो लेक्चर्स होगी उनमें कौन से चैप्टर से आपको लेकर के आऊँ क्वेश्चंस, या कुछ और भी बदलाव चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो कमेंट में बताना है सभी लोग को। और पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है तो पेड कोर्स ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको फुल थ्योरी पढ़ाई जाएगी, हर एक चीज़ को समझाई जाएगी बहुत ही अच्छे से बारीकी से, ताकि आपको जो भी डाउट्स हो लाइव क्लास में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको।